संगम युग है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग, ऊंचे से ऊंचा युग। इसमें जो सुख है वो सुख कहीं भी किसी युग में नहीं मिल सकता, लेकिन किनको मिलेगा? शूद्रों को। शूद्रों को नहीं मिलेगा, इसलिए क्या बोला है, श्रीमत पर न चलने वाले बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान रहेंगे। ये महावाक्य क्यों बोला? लेकिन ऐसा तो कोई शरीर नहीं है जिसमें बीमारी ना हो, ऐसा कोई शरीर है? बीमारी तो सब शरीरों में है क्योंकि तामसी शरीर है, लेकिन योग बल से शरीर की बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, अनुभूति को अच्छा बनाया जा सकता है, अपनी बात अपनी व्यथा को अपने अंदर ही कंट्रोल करके दूसरों तक फैलाने वाले वो नहीं होंगे। वो अंदर कंट्रोल करके खुद सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी करेंगे। न दुख लेना है न दुख देना है, सुख ही लेना है और सुखी देना है।